हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मनदीप और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि बिना जेई एडवांस दिए आप आईआईटी से डिग्री कर पाएं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जेई एडवांस नहीं क्लियर होता और वो आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का ये ड्रीम होता है कि वो आईआईटी से पढ़ पाएं और आईआईटी से डिग्री ले पाएं और आईआईटी का एक्सपोजर मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी बारे में। आईआईटी मद्रास जो है एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, उसने बीएससी डेटा साइंस का एक कोर्स लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि उस कोर्स में बेसिकली एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है, उस कोर्स का ओवरव्यू क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्री प्रोसेस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, बेसिकली एवरीथिंग। आई डोंट थिंक कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप पूरा लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स ओवरव्यू की। कोर्स ओवरव्यू की बात करते हैं। बेसिकली इस कोर्स में बेसिकली क्या है कि चार लेवल होते हैं। सबसे पहले होता है क्वालिफायर राउंड। क्वालिफायर राउंड इज आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। उसके बाद होता है फाउंडेशन लेवल, जो कि सेम वन और सेम टू को कंस्टिट्यूट करके बनता है, मतलब कि फर्स्ट ईयर। अगर बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो एक साल का कोर्स करके ही उससे एग्जिट कर सकते हैं, ये भी उसमें ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप जो है सेम थ्री और फोर भी कंप्लीट करते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर भी कंप्लीट करते हैं, तो आपको डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप पूरे छह के छह सेम कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें बेसिकली ये जो है आपके डिफरेंट लेवल है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इन लेवल्स में बेसिकली होता क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये फंडामेंटल प्रोग्राम है। इसमें पहले दो सेम होते हैं, इसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स सिखाया जाता है, और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। तो आप बेसिकली इस लेवल के बाद भी जो है, इस लेवल के बाद भी यहाँ से सीधा डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू डिप्लोमा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है लूज हो जाता है और दे थिंक कि भाई नहीं, हमें आगे नहीं करना है, तो वो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप डिप्लोमा, जो कि मैंने आपको बताया कि सेम थ्री और फोर को मिला के बनता है, तो आप ये अगर करेंगे तो आप यू विल बी रेडी फॉर द इंटर्नशिप। और उसके बाद जो है, लेकिन अगर आप इसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं सेम फाइव और सिक्स में भी, तो है आप जो है रेडी फॉर जॉब हो जाते हो। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स भी मैंने दिखा रखे हैं कि फाउंडेशन लेवल पे आपको क्या पढ़ाएंगे, डिप्लोमा लेवल पे आपको क्या पढ़ाएंगे और डिग्री लेवल पे आपको क्या पढ़ाएंगे। तो उसके बाद, इन सब के बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली इसमें एडमिशन कैसे होगा। तो इसमें बहुत ही सरल और सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। एनी वन हु हैव पास्ड द क्लास 12th, जिसने 12वीं कर रखी है, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपने जो है एकेडमिक वो कर रखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड, दैट मीन्स कि आपको चाहे साइंस से किया है, चाहे आर्ट्स से किया है, चाहे कॉमर्स से किया, अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप वो कर सकते हैं, इसमें बेसिकली अपियर हो सकते हैं। और दूसरा, इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि स्टूडेंट्स हु हैव अपियर फॉर देयर क्लास 11th फाइनल एग्जाम कैन अप्लाई इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रुप स्ट्रीम और बोर्ड, दोज हु क्वालिफाई कैन ज्वाइन प्रोग्राम आफ्टर पासिंग क्लास 12। दैट मीन्स कि 11वीं आपने 11वीं के आपने पेपर दे दिए हैं और 12वीं में जो है आप इसके लिए अपियर हो, इनका जो है इसके लिए अपियर हो सकते हैं। और वंस यू क्वालिफाई, आप क्वालिफाई करते हैं, तो जैसे ही आपकी 12वीं होगी आप डायरेक्टली जो है इसमें एडमिशन ले लेंगे। तो इसमें बेसिकली आपका ये है कि आप एक साल पहले भी इसमें जो है कर सकते हैं। उसके बाद एंट्री प्रोसेस, दो तरीके से एंट्री होती है इस कोर्स में, एक रेगुलर एंट्री होती है और एक जेई एंट्री होती है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर एंट्री की। रेगुलर एंट्री में बेसिकली क्या होता है कि ऑल रेगुलर एंट्री एप्लीकेंट्स मस्ट गो थ्रू अ क्वालिफायर प्रोसेस टू अर्न द एडमिशन टू द फाउंडेशन लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें तीन लेवल होते हैं, फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल एंड देन डिग्री लेवल। तो बेसिकली इसमें फाउंडेशन लेवल में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है आपकी 4 वीक की क्लासेस होंगी बेसिकली, और उसमें आपको जो है कुछ कुछ सिखाया जाएगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स और डेटा साइंस के ऊपर, इन सब के ऊपर, और उनके ऊपर ही आपसे जो है क्विज करवाएंगे और आपसे जो आपका एक टेस्ट होगा बेसिकली, जिसको बोलते हैं क्वालिफायर एग्जाम एट द एंड ऑफ 4 वीक। 4 वीक एंड होने के बाद आपका एक क्वालिफायर एग्जाम होगा। उस एग्जाम में अगर आप, उसकी फिर एक कट ऑफ लगेगी, उस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो है इसमें रेगुलर एंट्री के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस केस में आपको जो है जेई एडवांस का पेपर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा एंट्री का प्रोसेस ये है, जेई बेस्ड एंट्री। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कैंडिडेट क्वालिफाई टू अपियर फॉर जेई एडवांस कैन डायरेक्टली ज्वाइन द प्रोग्राम। सो बेसिकली जो कैंडिडेट्स जो हैं जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, वो डायरेक्टली जो है इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद इसमें क्या होगा कि आपको बेसिकली
इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना है, और इसमें भी फिर वही है कि आपको 4 वीक का जो है वीडियो कंटेंट दिया जाएगा, उसमें फिर आपको जो है वो वीडियो कंटेंट देने के बाद देन आपको इन पर्सन क्विज के लिए 4 घंटे का जो भी होता है वो उसके लिए अपियर होना पड़ेगा। और बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑफ द क्विज कैंडिडेट विल बी अलाउड टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ कोर्सेज। जैसे ही आप बेसिकली आपका जो भी स्कोर आएगा उस क्विज में उसके बेस पे आपको जो है यू विल बी अलाउड टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ कोर्सेज, आप बेसिकली आगे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, फीस कितनी लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फीस बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए शुरू में तीन तीन तरीके से फीस लगती है, एप्लीकेशन फी, री अटेम्प्ट एप्लीकेशन फी और कोर्स फी। सो बेसिकली इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फी जो है जनरल कैटेगरी के लिए 3,000 है, एससी एसटी के लिए 1,500 है, और एससी एसटी विद डिसेबिलिटी कुछ लोग होते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए और भी कम है, 750 रुपये। तो आपको शुरू में सॉरी आपको शुरू में जो है ये वाली फीस देनी है। उसके बाद जो है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो अगर आपको री अटेम्प्ट करना है तो आपकी फीस ये रहेगी। उसके बाद ईच टर्म पे ओनली द कोर्सेज यू रजिस्टर फॉर द स्पेसिफिक टर्म। सो बेसिकली आप हर टर्म में जो है आप अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ, और उन कोर्सेज के बेस पे ही आपकी फीस कंस्टिट्यूट होगी। तो बेसिकली जैसे कि फाउंडेशन लेवल पे जो है पहले लेवल में जो है हर कोर्स के 4,000 रुपये लगेंगे, और स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज इन डिप्लोमा लेवल पे लगेंगे 7,500 पर कोर्स, और डिग्री लेवल पे लगेंगे 10,000 पर कोर्स, और जो है प्रोजेक्ट्स इन डिप्लोमा और डिग्री इसके 2,500 पर प्रोजेक्ट होता है। तो ओवरऑल अगर इन सबको जोड़ के रफ फिगर जो आता है वो 2,50,000 के आसपास आता है। इसमें 10% आप जो है प्लस माइनस कर सकते हैं, बट 2,50,000 आप मान के चलिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है हम जो बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स, क्या बेसिकली क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। आई थिंक इसमें फायदे बहुत सारे हैं। फायदे जैसे कि आपको आईआईटी मद्रास की डिग्री मिलेगी, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा होगा कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है या कुछ है, आपको आईआईटी जैसी प्रॉपर आईआईटी मद्रास से कोई बीटेक करके निकलता है प्रॉपर वैसी ही डिग्री मिलेगी। उसमें आपका कोर्स का नेम मेंशन होगा कि बीएससी इन डेटा साइंस एंड पास आउट फ्रॉम आईआईटी डिग्री आईआईटी मद्रास। उसके बाद आईआईटी की फैकल्टी जो है बाकी स्टूडेंट्स को कैंपस में पढ़ाती है, वही फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की आपको जो नॉलेज मिलने वाली है। आपको एलुमनाई का स्टेटस मिलेगा, और इसमें बेसिकली दूसरा एक फायदा ये है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है 3 to 6 ईयर, दैट मीन्स कि आप इस कोर्स को जो है 3 से 6 साल के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं, 3 मिनिमम है 6 मैक्सिमम है। और इसमें सब्जेक्टिव मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि ये कई बार एज ए कॉन्स भी काउंट होता है, क्योंकि इसका नुकसान भी हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मतलब आपको बेसिकली अगर आप कहीं पर भी हैं मतलब देश के किसी भी पार्ट में आपको मद्रास जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जेई रिक्वायर्ड नहीं है, और आप जो जो कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे उनके लिए ही आपको पे फीस जो है पे करनी है। उसके बाद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, और दूसरा इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज बैचमेट्स, इसमें बेसिकली श्रीलंका और यूएई से भी जो है स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी अलाउड है। तो आप जो है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो है एक्सपोजर आपको जो मिलता है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री यू विल बी जॉब रेडी। आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है कि आप जॉब रेडी हो जाएंगे 3 साल के बाद। अब कुछ जो है बहुत बड़े नुकसान नहीं है, बहुत बड़े कॉन्स नहीं है, बहुत छोटे से कॉन्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नो कैंपस एक्सेस, क्योंकि एक ऑनलाइन डिग्री है तो आपको आईआईटी मद्रास का कैंपस का जो है वो फील और वो जो एनवायरमेंट जो वो नहीं मिलेगा। इसमें दूसरा जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ये एज ए कॉन्स भी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि क्योंकि उनके पास ऑप्शन रहता है कि भाई नहीं मैं नेक्स्ट ईयर कर लूंगा नेक्स्ट ईयर कर लूंगा, तो वो लोग जो है इस चीज को खींचते रहते हैं। तो आपकी जो डिग्री आपकी 3 साल में हो सकती थी, कई बार लोग उसको 4 या 5 या 6 तक भी ले जाते हैं, विच इज ऑफ नो सेंस, वो आपका एक टाइम वेस्ट है। तो दूसरा कौन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो है डिसिप्लिन्ड है और तरीके से आपकी डिग्री 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं तो ये आपके लिए कॉन्स नहीं है, लेकिन अगर आप लेजी लर्नर हैं और आप ऐसे ड्रैग करते रहते हैं चीजों को तो ये आपके लिए एक नुकसान हो सकता है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट एज द कोर्स इज ऑनलाइन, क्योंकि कोर्स ऑनलाइन है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इन सब चीजों में इंटरेस्ट खो देते हैं, तो ये एक वन ऑफ द कोर्स है। सो सॉरी कौन्स था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड